स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपाल्यन्ताम् न्यायेण मार्गेण महीम महिषः गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमस्ते श्रीगुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायने प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पावन पुनीत कार्तिक मास द्वादश अध्याय के पाठ का आह्वान और इसी बारहवें द्वादश अध्याय की चर्चा चिंतन। आइए द्वादशाक्षर मंत्र का कुछ क्षणों के लिए जाप करें, कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर पल में हो सुमिरन तेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा, हर पल में हो सुमिरन तेरा। प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा, प्रभु ऐसा बना दो मन मेरा। हरि ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा, रहे हरि ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्ण देवाय, कृष्ण देवाय, सद्गुरु देवाय, सद्गुरु देवाय। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता, पतित पावनी, श्रीमद् भगवद गीता सर्व दुख निवारिणी, श्रीमद् भगवद गीता भव भय तारिणी, जितने भी भाव विशेषण कहे जाएं वो सब थोड़े हैं, सब कम हैं। श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में समूचे विश्व का एक अन्यतम अनुपम अद्वितीय ग्रंथ रत्न, किसी ने श्रीमद् भगवद गीता को कोहिनूर कहा, किसी ने हीरा कहा, किसी ने अनमोल रत्न कहा, अलग अलग शब्दों से भावों से श्रीमद् भगवद गीता को महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया। महाराजा रंजीत सिंह
तो स्वयं जहां कोहिनूर रखते थे वहीं साथ ही भगवद गीता भी रखते थे और वो स्वीकारते थे कि मेरे पास एक कोहिनूर नहीं, मेरे पास दो कोहिनूर है। और जब वह कोहिनूर ब्रिटिश साम्राज्य का जब प्रभाव था और जाते जाते वो साथ ले गए, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि दुख तो है निश्चित रूप से, लेकिन भगवद गीता रूपी कोहिनूर मेरे पास है, ये संतोष है। एक एक शब्द, एक एक भाव, एक अलौकिक प्रेरणा, सीधी सीधी जीवन से जुड़ी हुई, जीवन की हर परिस्थिति से जुड़ी हुई। और जो भाव आज से प्रारंभ हो रहा है, श्रीमद् भगवद गीता का अमृताष्टक, 12वें अध्याय के 13 से 20 तक के 8 श्लोक कहें, मंत्र कहें, संजीवनी कहें अपने आप में, या अपने आप में एक समूचा दर्शन कहें, जीवन दर्शन, और या तो अपने आप में एक दर्पण कहें, हर शब्द बिल्कुल स्टीक बैठता है। समूचा जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी, लाइफ साइंस, इन 8 श्लोकों में आप देखेंगे। और दर्पण इसलिए अपने आप को निहारने के लिए कि मेरी भक्ति किस स्तर की है, मेरा प्रभु से प्रेम कैसा है, और क्या ऐसी स्थिति मेरे जीवन में कहीं बन पा रही है कि भगवान की प्रियता का इशारा मेरी ओर हो जाए कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। एक दर्पण है ये श्लोक, और इन श्लोकों में वर्णित एक एक लक्षण, एक एक गुण, एक एक भाव। 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम सुख दुख क्षमे। श्री भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित भाव, और द्वेष रहित भाव होगा तो आगे मैत्रः, मित्रता का भाव, और यही नहीं करुणा का भाव। ये सर्वभूता नाम शब्द जो है यहां, ये भगवद गीता की एक अनूठी विशेषता है। गीता में जहां भी कोई बात आई है वहां सर्वभूता नाम शब्द, सर्वभूताश्य शब्द, सर्वभूतेषु शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ, अर्थात सब प्राणियों के लिए। पूर्व में भी एक शब्द आया था, सर्वभूत हिते रतः, 4 श्लोक, सब प्राणियों के हित में रत है जो, अर्थात भगवद गीता प्राणी मात्र के लिए प्रेरणा। जो लोग ये सोचते हैं या कहते हैं कि भगवद गीता में कहीं वर्ण भेद, कहीं और ऊंच नीच या अलग, अरे भाई गीता में भेदभाव की तो कल्पना ही नहीं। जिस ग्रंथ ने
सब प्राणियों के हित की बात कही हो, केवल सब मनुष्यों के ही नहीं, उस ग्रंथ पर कैसे कोई ऐसा आक्षेप लग सकता है या बात कही जा सकती है कि ये ग्रंथ इसके लिए है और उसके लिए नहीं। सबके लिए है गीता, समान रूप से सबके लिए है गीता। कहीं किंचित भी पक्षपात नहीं, किंचित भी भेदभाव नहीं। और इसीलिए जियो गीता ने जो कुछ आह्वान के उद्घोष निश्चित किए भगवद गीता को लेकर, उनमें एक यह भी है, गीता प्रेम का पाठ पढ़ाए, भेदभाव सब दूर भगाए। प्रश्न ही नहीं भेदभाव का, सर्वभूतानाम सब प्राणियों के प्रति द्वेष से रहे। और ये जो सर्वभूतानाम शब्द है, ये इस पंक्ति में जो दो अन्य लक्षण हैं, अद्वेष्टा फिर मैत्रा करुण एवचा, ये शब्द तीनों के लिए है कि सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित और साथ ही साथ सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव, अपनत्व भाव, प्रेम भाव और सब प्राणियों के प्रति करुणा का भाव। देखो जहां तक बात है अद्वेष्ट, एक एक लक्षण पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्वेष भाव नहीं। कई बार बात बात में हम द्वेष ठान लेते हैं, बात बात किसी का कुछ देख करके, किसी से किसी बात को लेकर के, या कोई हमारे अनुकूल नहीं बात हुई, या जैसा हमने चाहा था उससे वैसी अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हुई, तो ये सब कारण हो जाते हैं द्वेष ठानने के। मन में द्वेष बुद्धि, द्वेष भाव बना लेंगे उसके प्रति। लेकिन ध्यान रखें, जब भी किसी के लिए हम द्वेष का भाव रखते हैं, द्वेष को महापुरुषों ने, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, द्वेष की संधि द्विविष के रूप में करते थे कि द्वेष द्विविष है, दोनों तरफ विष, मन में रखने वाले के लिए भी कड़वाहट और जिसके प्रति द्वेष किया जाता है उसके प्रति भी कड़वाहट। और ऐसे दृष्टांत कई बार दिए गए कि दिया सलाई जब भी कहीं कुछ जलाने के लिए जाती है, पहले अपने आप को जलाती है। हमें ध्यान है अंबाला की जेल में एक बार जब भगवद गीता पर कुछ चर्चा, प्राय जियो गीता का एक भाव रहता है जेल बंदियों के लिए गीता का वो स्वरूप, और ये उदाहरण दिया गया उसके पश्चात, जब हम लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात फिर दूसरी बार वहां गए, तो एक आजीवन कारावास की सजा के अभियुक्त बंदी, उन्होंने कहा ये सत्य बात है और वैसे भी काल्पनिक बात मंच पर लेने का स्वभाव भी नहीं है, उस बंधु ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। बीच में से उठकर उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले सबको पता है कि मैं इस जेल का सबसे खूंखार कैदी था, और आज आप जेल सुप्रिंटेंडेंट से लेकर के किसी से पूछ लो, आज मैं सबसे शांत कैदी हूं यहां का। पूछा गया वो कैसे, कहा पिछली बार के सत्संग में अद्वेष्टा शब्द के साथ जो आपने कहा कि दिया सलाई पहले स्वयं जलती है फिर किसी और को जलाती है, और संयोग था उस बार जो इस समय एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल जी, वो उस समय साथ थे वहां, संयोग ही था कि दीप प्रज्वलन हो रहा था उनके,
तीन बार दिया सलाई जलाई गई, लेकिन दीपक तक पहुंचते पहुंचते वो दिया सलाई बुझ गई, दीपक नहीं जला। और हमने ये बात कही कि दिया सलाई दीपक जलाने के लिए चली, लेकिन वायु का झोंका बीच में आया, दिया सलाई बुझ गई, जिसे जलाने चली थी वो नहीं जल पाया, लेकिन स्वयं तो जल ही गई। कई बार ऐसा होता है कि द्वेष भाव, प्रतिशोध भाव जब हम किसी दूसरे के प्रति मन में रखे रहते हैं, पहले अपने मन को हम जलाते हैं, फिर किसी दूसरे पर प्रभाव पड़ता है उसका। और कई बार ये भी हो जाता है कि दूसरे पर प्रभाव पड़े ना पड़े, और ये भी हो जाता है कई बार कि दूसरे को पता ही ना हो कि ये मेरे प्रति क्या रखे हुए है, क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है, वो अपनी मौज में है, उसे पता ही नहीं, लेकिन मन में ठान ली बात। एक बार कहीं कोई भंडारा था, जिसने भंडारा किया पंगत में कुछ लोग जो बैठे थे तो खिला रहा था, उस संयोग ऐसा हुआ कि पापड़ जब देने लगा वो, जब उसकी बारी आए पापड़ खत्म, मुझे दो तीन बार ऐसा हो गया, वहां तक पापड़ नहीं पहुंचा। और उसको ये लगा, यद्यपि उसने जानबूझकर नहीं किया था, स्वाभाविक था, उसको ये लगा कि इसने जानबूझ, कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसको बड़े ध्यान से हम समझें, ये बड़ी व्यवहारिक सी जीवन के सूत्र हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति के मन में कुछ होता नहीं, लेकिन मान सोच ले, अपनी कल्पना कर लेते हैं कि इसने इसीलिए किया। और कई बार तो यहां तक हो जाता है कि कोई हंस भी रहा हो तो हमारी कल्पना उस स्थिति की ओर ले जाती है हमें, ये तो मेरे मुझे ही देखकर हंस रहा होगा ऐसा, और वही मन में कटुता, कड़वाहट, द्वेष, मैं इसे मजा चुकाऊंगा मेरी ओर देख के, और उसको पता ही नहीं वो बेचारा स्वाभाविक हंस रहा है, मेरी ओर देख के हंस रहा था ये। अरे भाई तू भी हंस ले, अगर वो हंस रहा था तो तू भी हंस ले, तू क्यों मुंह बना रहा है भाई। लेकिन वो कई बार स्वभाव बन जाता है नहीं हंसना, नहीं मुस्कुराना, किसी की हंसी देखकर भी हंसना नहीं और कड़वाहट ले लेना मन में। उस व्यक्ति को पता नहीं था, वो जानबूझकर नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बांध लिया ऐसा कि जानबूझकर हर बार मेरे पास आकर ऐसा कर देता है। जब वो उठा वहां से, ठान लिया, ऐसा मन में कड़वाहट, द्वेष भर गया, क्या इसको मजा चखाऊंगा मैं, अब मैं भी भंडारा करूंगा और इसको भी बताऊंगा कि ये कैसे है। अब देखना द्वेष कहां ले जाता है। घर आया, सोचा कि भंडारा तो करना ही है, भोजन तो करवाना है सब, कुछ था नहीं, ऐसा साधन भी नहीं था, करना भी उससे अच्छा है, कुछ घर का सामान भी इधर उधर निकाल करके कुछ पैसा बटोरा, केवल एक बात के लिए, इसको दिखाऊंगा मैं भी, कर ली तैयारी, और तैयारी करके उसे भी बुलाया। और जब वो पहला हुआ था तो वो संयोग था कि वो लास्ट में बैठने की जगह मिली, लेकिन इसने जानबूझकर ऐसी तैयारी की कि बिठाऊंगा भी लास्ट में ही, और जानबूझकर उसे दिखा दिखा करके वो पापड़ ले जाता, सबको देता, उसे दिखाता, इसको नहीं दूंगा, इसको पता तो चले कैसे किसी को बुला के ऐसे किया जाए। वो बेचारा फिर भी मौज में है, और उसने फिर भी नहीं कुछ सोचा
जब सब भंडारा हो गया, भोजन हो गया, सब जाने लगे, वो व्यक्ति आया और उसने इतने प्रेम से, अपनत्व से उससे कहा, भाई तूने कमाल कर दिया, मेरे पास तो भगवान की कृपा से साधन थे तो मैंने इस ढंग का भोजन सबको करवाया, भंडारा करवाया, और तेरे पास तो ऐसे साधन भी नहीं थे लेकिन तो भी तूने मेरे से भी अच्छा ये भंडारा करवा दिया। बहुत प्रसन्न हो तेरे से, बहुत मुझे प्रसन्नता हो। अब वो तो सिर पकड़ के बैठ गया, कहा इसको जलाने तपाने के लिए तो मैंने ये सब किया, अपनी कुछ बेच के चीज़ें भी भंडारा किया, और ये फिर भी खुश खुश जा रहा है, इतना इसको ज़रा भी ये नहीं है कि ये जो स्थिति बनी है, इसको ज़रा भी इसका मन में कोई कड़वाहट नहीं, मन में कोई निराशा नहीं किसी भी तरह से। तो ये स्थिति आप देखें, विचारें, और ये स्थिति कई बार बन जाती है, कई बार कि दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं है कुछ, वो प्रसन्न है लेकिन मैं दूसरे की बात सोच सोच करके मन में कड़वाहट भरे, देश पाले हुए। कई बार तो किसी की छोटी सी बात महीनों तक हमारे मन में कड़वाहट भरे रखती है, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसी जो बात की थी। नहीं, अद्वेष्टा, ये पहला लक्षण गीता के कृष्ण बताते हैं कि भक्त का पहला लक्षण यह है, मन में किसी के लिए द्वेष नहीं। मान लो कोई बात है भी सही, पंखा करो विचारों का, उड़ाओ उसको, कहां दिमाग में भरे रखोगे। और संसार में यदि यही कुछ मस्तिष्क में भरने लगे, कहीं अंत है क्या? सोचो, कहीं अंत है क्या? कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, यदि हम यही सोच के अपना जीवन जिएंगे इस कसौटी पर, भक्ति कौन करेगा? भक्ति तो मन ने करनी है ना। कबीरा, मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर, और चाहे विषय कमा, और विषय कमा में ये सब कुछ आ जाता है, राग द्वेष ईर्ष्या आवेश, ये सब कुछ। इसलिए सबसे पहला गुण अद्वेष्टा, मन को तपाओ नहीं व्यर्थ में, जलाओ नहीं। ये मन भगवान का मंदिर है, इसमें क्यों ऐसी कड़वाहट भरे? तजु भैर द्वेष सबसे, मुझे प्रेम का ही वर दो। तजु वैर द्वेष सबसे, मुझे प्रेम का ही वर दो। मेरे नाथ मेरे दाता, बस इतनी कृपा कर दो। मेरे नाथ मेरे दाता, बस इतनी कृपा कर दो। मेरे नाथ मेरे दाता, बस इतनी कृपा कर दो। मेरे नाथ मेरे दाता, बस इतनी कृपा कर दो। सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो। सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो।
सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो। सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो। नहीं चाह कोई दुनिया की, मन में यही चाह होवे। नहीं चाह कोई दुनिया की, मन में यही चाह होवे। जिस राह पे चलूं भगवन, तेरे प्रेम की राह होवे। जिस राह पे चलूं भगवन, तेरे प्रेम की राह होवे। तजु वैर द्वेष सबसे, मुझे प्रेम का ही वर दो। तजु वैर द्वेष सबसे, मुझे प्रेम का ही वर दो। मेरे नाथ मेरे दाता, बस इतनी कृपा कर दो। मेरे नाथ मेरे दाता, बस इतनी कृपा कर दो। सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो। सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो। काम क्रोध लोभ मद मोह, सब दोष है मुझ में भरे। काम क्रोध लोभ मद मोह, सब दोष है मुझ में भरे। निर्बल मन मेरा हरि, कैसे इन दूर करे। निर्बल मन मेरा हरि, कैसे इन्हें दूर करे। श्री कृष्ण कृपा से अपनी, सब दोष मेरे हर लो। श्री कृष्ण कृपा से अपनी, सब दोष मेरे हर लो। मेरे नाथ मेरे दाता, बस इतनी कृपा कर दो। मेरे नाथ मेरे दाता, बस इतनी कृपा कर दो। सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो। सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन पूजा का विधि विधान कुछ मुझे नहीं आता। पूजा का विधि विधान कुछ मुझे नहीं आता। तू स्वामी मैं तेरा किंकर, जानू एक यही नाता। तू स्वामी मैं तेरा किंकर, जानू बस यही नाता। बस एक बार प्यारे, निज कर सर पर धर दो। बस एक बार प्यारे,
सर पर धर दो। मेरे नाथ मेरे दाता बस इतनी कृपा कर दो। मेरे नाथ मेरे दाता बस इतनी कृपा कर दो। सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो। सत्संग सेवा सुमिरन मेरे जीवन में भर दो। तजू वैर तजू द्वेष वैर सबसे मुझे प्रेम का ही वर दो। तजू द्वेष वैर सबसे मुझे प्रेम का ही वर दो। मुझे प्रेम का ही वर दो। मुझे प्रेम का ही वर दो। बस इतनी कृपा कर दो। बस इतनी कृपा कर दो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां द्वेष रहित मन। और जब द्वेष नहीं होगा अगला लक्षण मैत्रा, सबके प्रति मित्रवत व्यवहार, अपनत्व का व्यवहार, सद्भावना का व्यवहार। ये मैत्रा शब्द जो है यहां सब प्राणियों के प्रति मित्रवत व्यवहार, अपनत्व का व्यवहार, सद्भावना का व्यवहार। और सच में जब ये लगेगा ना कि सबके अंदर चेतना तो एक ही है तो स्वाभाविक ये स्थिति बनती है, स्वाभाविक है। वैसे तो मित्रता के यदि उदाहरण देखें अपनी संस्कृति में अद्भुत उदाहरण दिखेंगे। और मित्रता बिल्कुल एक स्वार्थ रहित, और जहां प्रेम होगा जहां अपनत्व होगा वहां स्वार्थ हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। ये संबंध टूटते कब हैं अपनत्व के, वो मित्र मित्र का हो भाई भाई का, वो भी एक मित्रता अपनत्व भरा सद्भाव, इसका व्यापक अर्थ कब टूटते हैं, जब संबंधों में कहीं कोई स्वार्थ की स्थिति होती है वहां टूटते हैं संबंध। मेरा स्वार्थ नहीं पूरा हुआ कहां का मित्र, मेरी बात इसने नहीं मानी कहां का मित्र, कहां का बंधु, कहां का सखा। लेकिन अपनी परंपराओं में आप देखेंगे, अपनी अवतार परंपरा में भी आप देखें, भगवान राम के जीवन में हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम सब, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, बिना कारण के प्रेम। और भगवान राम ने तो कहीं केवट को सखा मान करके ये कह दिया अपना सखा, कहीं निषाद को सखा मानकर गले से लगा लिया, कहीं आवश्यकता पड़ी तो सुग्रीव को, आवश्यकता पड़ी का प्राय वो नहीं कि केवल भगवान राम को आवश्यकता पड़ी, सुग्रीव की आवश्यकता वो एक धरातल, विभीषण को सखा भाव मित्र भाव, और निभाया भी। विस्तार में जाएंगे तो एक एक लक्षण पर एक एक दिन ही नहीं कई कई दिन निकलेंगे, लेकिन सांकेतिक रूप में भाव। भगवान कृष्ण ने यदि सुदामा के साथ मित्रता, बाल्यकाल की मित्रता, एक अद्भुत आदर्श है मित्रता का। वहां कोई बड़े छोटे का भेद भी नहीं मित्रता। हाँ दूसरा एक उदाहरण ये मिलता है कि द्रुपद और द्रोण की मैत्री, वहां एकदम प्रश्न आ गया कि जब द्रोण आए द्रुपद के पास, द्रुपद राजा थे, लेकिन एकदम द्रुपद ने पहचानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि भाई मित्रता तो बराबर वालों में होती है, कहाँ अब तुम, वो तो पढ़ते थे तो एक बात थी
अब कहां तू और कहां मैं इस समय राजा, और तुझे अपनी रोटी के लिए भी अभी इधर उधर देखना पड़ रहा है, तो ये कौन सा मैत्री का संबंध? और द्रोण को दुत्कार दिया गया, मैत्री की मर्यादा, मैत्री का आदर्श, मैत्री का परम की परंपरा पूरी तरह समाप्त। लेकिन आप दूसरा उदाहरण देखें भगवान कृष्ण के जीवन का, कि सुदामा जब आते हैं द्वारकापुरी चल के, और केवल एक शब्द कान में पड़ता है द्वारपाल के द्वारा कि कोई मिलने आया है, कौन है? कहा बस बिल्कुल जर्जर सी काये, फटे पुराने वस्त्र, धोती फटी, लटी दुपटी, पांव उपानक, पैर में जूते नहीं है। है कौन, नाम क्या? कहा पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बस एक शब्द ही पर्याप्त था, एक शब्द सुदामा, पुरानी मैत्री सामने आ गई। सुदामा आया है मेरे बचपन का सखा, और उठकर भागे, कुछ ध्यान नहीं, और भागते भागते सुदामा को अपने प्रेम पाश में लिया, अंदर लेकर आए, सिंहासन पर बिठाया, नीचे बैठे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। मैत्री का एक दिव्य आदर्श, एक परंपरा है जो हमारी अवतार परंपरा में भी, और जब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, मैं अवतार लेकर आता हूं धर्म की स्थापना के लिए। कोई मजहब नहीं अलग से, कोई रिलीजन नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कौन सा धर्म? वो ये धर्म है, आदर्श धर्म है, परंपराएं धर्म है, मर्यादाएं धर्म है, जिस ट्रैक पर आगे आने वाली संततियां जेनरेशंस चल पाए, वो ट्रैक परंपराओं का, मर्यादाओं का, अस्मिताओं का, आदर्शों का, वो आदर्श वो स्थापित कर, वह धर्म स्थापित करने के लिए आए भगवान कृष्ण या कोई भी अवतार। संभवामी युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना की परंपरा, और ये एक परंपरा है समाज के लिए कि मित्रता जो है वो एक सद्भावना है, विशुद्ध भाव है। तो यहां भगवान कहते हैं मेरा भक्त किसी भी प्राणी के लिए द्वेष भाव नहीं रखता, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव, और मित्र भाव होगा अपनत्व का भाव, लगता है सबके प्रति कि सब अपने ही तो हैं, निज प्रभु में देखे ही जगत, कहीं सन कर ही विरोध, और विरोध का तो प्रश्न ही नहीं। शहनशाह राम हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ, अपनत्व की एक झलक देखिए उनके जीवन में। अमेरिका गए, जहाज से उतरकर टहलने लगे, बहुत से लोग उतरे, सबको कोई ना कोई लेने आया, लेकर के चला गया। शहनशाह राम अपनी मस्ती में विचरण कर रहे थे, और मस्ती तो स्वाभाविक उनके मुखरित होती ही थी, स्वाभाविक। वो तो शब्द भी जब बोलते थे तो ये अधिकार से कहते थे कि मैं नहीं बोल रहा, सुना रही है ये दिल की मस्ती, मिटा के अपना वजूद हस्ती, मरेंगे यारो तलब में हकी, जो नाम तालिब लिखा चुके हैं। सुना रही है ये दिल की मस्ती, स्वाभाविक उस भाव में, क्योंकि उस चेतना के साथ अपनत्व भरा भाव सर्वत्र बना रहता था।
और जब वो टहल रहे थे किसी ने आगे पूछा कि भारतीय सन्यासी यहां अमेरिका में आपका कोई मित्र नहीं है, आपको कोई लेने के लिए नहीं आया। शहनशाह राम मुस्कुराए और कहने लगे आ चुका है, उस व्यक्ति ने इधर देखा उधर देखा, वहां कोई और था ही नहीं। अब देखे मैत्र मेरा भक्त, स्वाभाविक मैत्री का भाव। पूछा कोई आपका मित्र यहां है, आपको लेने नहीं आया अभी तक? कहा आ चुका है, मुस्कुराते आ चुका है। जब चारों ओर देखा कोई नहीं दिखा, कहा कौन कहां, यहां तो कोई नहीं दिख रहा। और कंधे पर हाथ रखा, कहा तुम ही तो मेरे मित्र हो, और किस मित्र को यहां ढूंढना है, और तुम ही तो आए होंगे, ईश्वर ने तुम्हें ही भेजा होगा। और जैसे ही अपनत्व भरी वाणी सुना रही है दिल की मस्ती, अपनत्व भरी वाणी से कहा तुम ही तो वो मित्र हो, और कंधे पर हाथ रखा वो मिस्टर हुडसन, रोमांचित हो गए। और वो कहते हैं कि वो स्पर्श और वो शब्द मुझे ऐसे लगे भारतीय सन्यासी के, पूरी व्यवस्था अमेरिका में उस व्यक्ति ने की, तुम ही तो हो मेरे मित्र। कोई था नहीं लेने, और कोई ये सोचकर भी वो नहीं गए थे कि कोई लेने आएगा, कहां जाना है मुझे। ये कहने वाला महापुरुष कि तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूं, ये शहनशाह राम के शब्द, तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूं, किसी को बेखुद बना रहा हूं, किसी को गम में रुला रहा हूं। ये ऐसी स्थिति, ये गम में रुला रहा हूं का अभिप्राय, किसी के रोने में भी अपनत्व है कि उसके रोने में भी कहीं ना कहीं मैं ही हूं, और किसी के हंसने में भी अपनत्व है, और जहां हंसने में अपनत्व है वहां मैत्री है, और जहां रोने में अर्थात उदासी में किसी के दुख में अपनत्व है वहां से फिर तीसरा लक्षण प्रारंभ हो जाता है, करुण एव च अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के लक्षण क्या है, वो किसी के लिए द्वेष नहीं मन में रखता, सबके प्रति मित्र भाव, यहां तक कि जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं उनके लिए भी मित्र भाव। और बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे, बहुत से उदाहरण। चंद्रभागा में स्नान करने जाते हुए एकनाथ जी का वह उदाहरण सबको अच्छी तरह स्मरण है। और सच में भाव का प्रभाव पड़ता है, अगर किसी की कड़वाहट को देखकर मैंने भी मन में कड़वाहट ले ली तो लाभ क्या हुआ, उसके अंदर तो जो कड़वाहट भरी है और उसकी प्रतिक्रिया मैंने भी ले ली, जब वो नहीं बोलती मेरे से मैं क्यों, मैं उसके घर का खाती हूं मुझे क्या पड़ी है, जब वो नहीं बोलता तो मैं कम हूं उससे क्या, अपनी ईगो और बढ़ा लेना, क्या लाभ होगा, दुर्भावना बढ़ जाएगी, ईगो और बढ़ जाएगी, और परिणाम क्या होगा, कहीं ना कहीं मन में दुर्भाव, मन में कड़वाहट, वातावरण में दुर्भावना। और महापुरुषों के जीवन आप देखेंगे, चलते चलते किसी ने कुल्ला कर दिया, स्नान करके आ रहे थे, घटना प्रसिद्ध है लेकिन हमें फिर भी एक प्रेरणा लेनी है प्रसंग के अनुसार, कुल्ला कर दिया,
एकनाथ ने देख लिया, गए फिर स्नान और करते करते 108 बार। स्थिति तो भी ज्यों की त्यों, और जब 108 बार कुल्ला करने के बाद भी उस व्यक्ति ने देखा ये तो वैसे कि वैसा शांत आया, चरणों में गिरा, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। और फिर भी आप देखें सोच क्या है कि भाई अपराध नहीं, ये तो तू सोच रहा है ना, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि तेरे कारण से रोज एक बार स्नान करता था, आज मुझे 108 बार चंद्रभागा में स्नान का सौभाग्य मिल गया। ये सोच मन की, नथिंग इज गुड आर बैड, थिंकिंग मेक इट सो। सोच हमारी, हम किसी बात को कैसे लेते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ। जरा सी किसी बात को हमने नकारात्मक रूप में ले लिया, वातावरण को बिगाड़ने का हेतु बन जाएंगे, हम अपने मन की अशांति तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन वातावरण भी बिगाड़ेंगे हम। और प्रायः आप देखेंगे जीवन में, घर परिवार में, व्यापार में, व्यवहार में, समाज में, ये सोच बहुत बड़ा हेतु बनती है वातावरण बिगाड़ने में। और भगवद गीता के ये लक्षण वस्तुतः, इसीलिए तो हम कहते हैं कि गीता धार्मिक आस्था का शास्त्र तो है ही है, हमें गर्व है, हमें गौरव है। और हमारे गुरुदेव तो गीता मेरी जान है, मेरी शान है, इसे छोड़ूं कैसे, कृष्ण की पहचान यही, मुख मोड़ूं कैसे। और आज एक भाव चल रहा था प्रारंभ में, जहां मंच की ओर आए, गीता पा के मैंने खुदा पा लिया है, जहां गम नहीं वो जहां पा लिया है, गीता पा के मैंने खुदा पा लिया। ये सोच है ना कि गीता गीता नहीं, मेरे लिए साक्षात प्रभु मिल गए मुझे। गीता हमारी आस्था है, ये सत्य है, हमारा गर्व है गीता, हमारा गौरव है गीता, विश्व भर में हमारे राष्ट्र की पहचान है गीता, राष्ट्र का स्वाभिमान है गीता। और हमारे गुरुदेव तो यहां तक कहा करते थे, गीता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गीता, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। वो सत्य है, लेकिन साथ ही साथ भगवद गीता व्यवहार जगत के लिए भी एक अभूतपूर्व प्रेरणा है। भगवद गीता अभूतपूर्व प्रेरणा, न भूतो हम न भविष्यति कहें, कहा जा सकता है क्योंकि श्री भगवान की वाणी है, किसी आचार्य के लिए। हाँ, आचार्यों ने अपने अपने चिंतन, अपने अपने अनुभव, मंथन गीता के श्लोकों को लेकर प्रकट किए, कहे, लिखे, वो एक अलग अलग विषय है, लेकिन गीता तो गीता है, भगवान की दिव्य वाणी है भगवद गीता, व्यवहार का दिव्य शास्त्र। कोई हमारे लिए कुछ सोच भी रहा है, मैं स्वतंत्र हूं इस बात के लिए कि वो मेरे लिए कड़वाहट भरे हुए है, मैं उसकी प्रतिक्रिया में यदि कड़वाहट भरता हूं तो मैं अपना भी नुकसान करता हूं और वातावरण को बिगाड़ने में भी हेतु। लेकिन आप विश्वास करें और करके देखें कि घर में किसी के मन में आपके लिए कोई कड़वाहट है, आप और प्यार ओढ़े लो और देखेंगे आप अंततः विजय प्रेम की होगी, कड़वाहट की नहीं, द्वेष की नहीं, अहम की नहीं, आवेश की नहीं, अंततः विजय प्रेम की होती है। वो व्यक्ति झुका, क्षमा मांगे, कहा महाराज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन आप देखें
भारतीय संत परंपरा की दिव्यता, ये सोच तब भी नहीं बदली, तब भी नहीं बिगड़ी, और एकनाथ ने तब भी अपनी सकारात्मक सोच का आनंद लो जीवन में भाई। क्यों दूसरे की कड़वाहट को अपनी कड़वाहट बनाते हो? अपनी पॉजिटिव सोच, और ये पॉजिटिव सोच तो बस एक ही जगह गड़बड़ाया है आके। वैसे तो पॉजिटिव रहना ही जीवन का आनंद है। हमने कई बार कहा ये पॉजिटिव शब्द एक ही जगह गड़बड़ाया आके, कोरोना के साथ लग करके। इस पॉजिटिव शब्द ने भी अपने बेचारे ने दुर्गति कर ली, वरना तो पॉजिटिव रहना यही कहा। और आजकल तो कोरोना के साथ पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव ना आ जाए। और कई लोग तो, जब हमने पहले भी एक बार कहा, किसी के रिपोर्ट आई तो एकदम फोन पे कहने लगा, महाराज जी मैं नेगेटिव हो गया। हमने कहा भाई तू ना नेगेटिव होना, ये तो तेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, बस ये भगवान का शुक्र कर। तू क्यों नेगेटिव होता है भाई, तू तो पॉजिटिव ही रहे जीवन में। सोच में पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे सोच में, और सकारात्मक सोच जीवन का सबसे बड़ा कोश है, शांति है, आनंद है, और जीवन का खुलापन है, क्षमताएं खुलती हैं उससे। और सच मानो जितनी अपनी सोच खुली हुई होगी उतनी कृष्ण कृपा भी खुली हुई मिलेगी। कृष्ण कृपा के बन के सवाली, मन रखो खुला खिला और खाली। कृष्ण कृपा के बन के सवाली, मन रखो खुला खिला और खाली। कृष्ण कृपा के बन के सवाली, मन रखो खुला खिला और खाली। कृष्ण कृपा के बन के सवाली, मन रखो खुला खिला और खाली। ना चिंता भय संताप करो, प्रभु दर्शन देने आएंगे, वो अपनी छवि दिखलाएंगे। ना चिंता भय संताप करो, प्रभु दर्शन देने आएंगे, वो अपनी छवि दिखलाएंगे। मन का मंदिर साफ करो, प्रभु दर्शन देने आएंगे, वो अपनी छवि दिखलाएंगे। मन का मंदिर साफ करो, प्रभु दर्शन देने आएंगे, वो अपनी छवि दिखलाएंगे। कर्म भक्ति और ज्ञान की गंगा, गीता करती मन को चंगा। कर्म भक्ति और ज्ञान की गंगा, गीता करती मन को चंगा। हो तुम नित गीता का पाठ करो, प्रभु दर्शन देने आएंगे, वो अपनी छवि दिखलाएंगे। नित गीता का पाठ करो, प्रभु दर्शन देने आएंगे, वो अपनी छवि दिखलाएंगे। वो अपनी छवि दिखलाएंगे, प्रभु दर्शन देने आएंगे, प्रभु दर्शन देने आएंगे। इसी क्रम के लक्षणों का चिंतन और चर्चा भी चलती रहेगी कार्तिक मास में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। करुणा को लेकर थोड़ी सी बात हम कल भी करेंगे कि ये करुणा वृत्ति है क्या, और इसके कुछ व्यावहारिक पक्ष भी। आज इतना ही स्वीकारें, जो सुना है अवश्य एक बार विचारें।